हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमारे कितने हैं। एक रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो वन वन बाय वन देखते जाते हैं कि पहला जो मार्केट होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, ठीक है। पांच तरह के मार्केट्स होते हैं। पहला है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, दूसरा होता है मोनोपोली, तीसरे हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, चौथे को बोलते हैं ओलिगोपोली, पांचवा होता है बाइलेटरल मोनोपोली। मोनोपोली इसे हम बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसे बोलते हैं एकाधिकार, इसे बोलते हैं एकाधिकारी, और इसे बोलते हैं अल्पाधिकार, और लास्ट वाले को बोलते हैं दो तरफ से एकाधिकार, ठीक है। एक रिवीजन सीरीज है, ठीक है। इसमें हम टाइप्स ऑफ मार्केट, पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है मोनोपोली एकाधिकार जिसे हम बोलते हैं, तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसे हम एकाधिकारी बोलते हैं, चौथा होता है ओलिगोपोली जिसे अल्पाधिकार बोलते हैं, पांचवा होता है बायलैटरल मोनोपोली मीन्स दो तरफ से एकाधिकार, ठीक है। पहले जो मार्केट्स की हम बात करते हैं, पहला परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स रहते हैं, ठीक है। इसमें होता है दूसरा कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। होमोजेनियस प्रोडक्ट के कारण क्या होता है कि सेलर्स के बीच में कंपटीशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट होता है इसके फीचर्स होते हैं सेलर, यही एक ऐसा है जो क्या होता है प्राइस टेकर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। जिस रेट में कस्टमर्स चाह रहे हैं उस रेट में हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, सेलर प्राइस टेकर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। एंट्री और एग्जिट जो रहती है वो फ्रीडम रहती है, मन करे जिसका मन करे अपनी आज़ादी से मार्केट में एंट्री कर सकता है, और क्या उसके प्रॉफिट ना हो तो वो क्या है, जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि ये क्या होती है कि इमेजिनरी कंडीशंस होती है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज़ अ इमेजिनरी कंडीशंस की जो रियल लाइफ में क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। दिस इज द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। दूसरा जो होता है आपका मोनोपोली जिसे हम बोलते हैं एकाधिकार। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल का मतलब क्या हुआ, वन। यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं और क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं। बेचने वाला एक, लेकिन खरीदने वाले कितने रहते हैं, बहुत रहते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स। यहाँ पर दूसरा फीचर्स देखेंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो होता है प्राइस मेकर की तरह बिहेव करता है। एग्जाम में आता है कि कौन प्राइस टेकर कौन प्राइस मेकर, तो एक प्राइस टेकर की तरह जो काम करता है वो हमारे एक सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में रहता है, प्राइस मेकर की तरह जो बिहेव करता है इन द मोनोपोली एकाधिकार में। इसमें जो एंट्री और एग्जिस्ट रहता है कि मन करे जिसको मार्केट में आए, वहाँ पर क्या रहती है, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में IRCTC, टिकट सेलिंग, स्टैम्प पेपर, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो मार्केट होता है दैट इज ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, एकाधिकारी। इसमें क्या होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्या हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, एंट्री और एग्जिट जो रहती है इसमें भी फ्रीडम रहती है, एंट्री
और एग्जिट क्या रहती है, फ्रीडम। और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे ब्रांडेड आइटम्स, ठीक है, ब्रांडेड आइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, ये प्राइस टेकर और प्राइस मेकर दोनों की तरह बिहेव करते हैं, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। चौथा जो मार्केट होता है दैट इज़ योर ओलिगोपॉली, जिसे हम बोलते हैं अल्पाधिकार, ठीक है। ओलिगोपॉली में क्या होते हैं, इसमें फ्यू सेलर्स रहते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, ठीक है, ठीक है। एंट्री और एंट्री क्या होती है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं और एग्जिट फ्रीडम, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि फ्यू सेलर्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, कार्टल बनाकर अपने प्रोडक्ट और प्राइस को एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप जो रहता है वो होता है क्या, कार्टल बनाकर रखते हैं, और दूसरा होता है प्राइस जो रहता है वो डिपेंडेंट रहता है। एग्जांपल जैसे ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें। लास्ट जो मार्केट होता है पांचवा, दैट इज़ योर बाइलेटरल मोनोपोली, बाइलेटरल मोनोपोली मीन्स द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार, द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार में क्या होता है, यहां पर क्या होता है, सिंगल सेलर और सिंगल बायर रहता है, मीन्स कोई भी जगह बाइलेटरल मोनोपोली क्या होती है, एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे लेबर मार्केट, ठीक है। तो ये पांच तरह के आपके टाइप्स ऑफ मार्केट थे, जो एक रिवीजन सीरीज थी आपके, कि क्या क्या फीचर्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। ओके, थैंक यू।